नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। अनुच्छेद 42 क्या कहता है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 42 क्या कहता है और क्या क्या उद्देश्य हैं उनके। अभी अभी 2014 में एक प्रश्न पूछा गया था, 2014 में एक प्रश्न था, नीति निर्देशक तत्व में क्या क्या आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या क्या आता है। तो वहां पे चार ऑप्शन दिए थे, बच्चा प्रसूति, ग्राम पंचायत, निर्वाह योग्य मजदूरी, लोक कल्याण की अभिवृत्ति। लोक कल्याण की अभिवृत्ति भी आता है, निर्वाह योग्य मजदूरी, ग्राम पंचायत भी आता है, बच्चा प्रसूति भी आता है। प्रसूति के बारे में बताया गया ना हमसे पहले से, वहां पर बहुत लोग कंफ्यूज हो गए कि ये तो सारा ही आता है, क्या नहीं आता है, मतलब कैसे बताए। तो वहाँ एक बच्चा उठा कर, अभी हम सुप्रीम कोर्ट में जाके मुकदमा कर देंगे, प्रश्न गलत छाप दिया यूपीएससी वालों ने। अब यूपीएससी वालों ने प्रश्न गलत क्यों छापा, अभी तक आपने हम इससे ज्यादा भी पढ़ाए हैं, ये तो रिवीजन करा रहे हैं। आपको कुछ पता हो तो बता दो कि इसमें 2014 में यूपीएससी ने यह प्रश्न पूछा, इसमें क्या नहीं आता है। अब आप भी हमारा वीडियो देखे होंगे तो बताएंगे इसमें सारा ही आता है, क्योंकि प्रसूति के अधिकार अनुच्छेद 42 में दिए, जो आपको पढ़ाने वाले हैं ये रिवीजन है, तो इससे पहले वीडियो पढ़ा चुके हैं। ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 में आता है, आप यही सोच रहे होंगे। निर्वाह योग मजदूरी आपने पढ़ा ही है, और लोक कल्याण की अभिवृत्ति अनुच्छेद 38 में पढ़ा है, तो आप सोच रहे होंगे सारा ही आता है, क्या नहीं आता, बड़ी समस्या है मित्रों। तो आपने एक छोटा सा यहाँ पे यूपीएससी क्या कहता है, यूपीएससी उस व्यक्ति को चुनता है जो चारों तरफ से बिल्कुल माइंड से सेट हो, कब क्या करना कैसे करना है, तुरंत उसका सटीक जवाब दे सके। यूपीएससी उन छात्रों को चुनता है, यूपीएससी ऐसे ही नहीं चुन लेता किसी को उठा के रख ले ना, तो यूपीएससी बोला माइंडेड बंदा उसको चाहिए होता है। तो यूपीएससी ने यहाँ प्रश्न पूछा, तो बहुत लोगों ने तो जाके सुप्रीम कोर्ट पे मुकदमा करने की बात कर दी, प्रश्न गलत है। अब बच्चों देखो क्या कहते हैं, अब यहाँ पर 2014 में यूपीएससी ने यूपीएससी ने पूछा है, एससीसी भी पूछ सकता है, कुछ भी कोई भी पूछ सकता है, माइंड लगाने की बात है, देखो क्या माइंड लगाते हैं। यहाँ पे ग्राम पंचायत अनुच्छेद में आता है, ग्राम पंचायत 40, निर्वाह योग मजदूरी और लोक कल्याण की अभिवृत्ति। अब मित्रों बच्चा की प्रसूति कौन कराता है, बच्चा की प्रसूति कौन कराता है, महिला प्रसूति होता है यहाँ पे, महिला प्रसूति। अब बच्चा प्रसूति नहीं होता, अब जिन लोगों ने बच्चा प्रसूति पर टिक लगाया होगा उनका तो एक नंबर पक्का हो गया होगा, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत बच्चा की प्रसूति होती ही नहीं है, तो यही नहीं आता यहाँ पे लिखना था, यहाँ तो महिला प्रसूति आता है ना। तो मित्रों दिमाग लगाने जरूरत है, सब कुछ हल होगा। अब हम बात करते हैं आगे अनुच्छेद 42 क्या कहता है। अनुच्छेद 42 मनोचित न्याय बीमारी एवं ड्यूटी के बारे में कहता है, मतलब हर व्यक्ति को जो मानसिक तनाव से है उसको न्याय मिलना चाहिए, और बीमार जब कोई सरकारी पद पे कोई व्यक्ति तैनात है या गैर सरकारी संविदा कर्मी भी है वह बीमार है, तो उसको अनुच्छेद 42 अधिकार प्रदान करता है कि उस व्यक्ति की ड्यूटी ऐसी जगह लगाई जाए जहाँ पर वह व्यक्ति अच्छे से काम कर सके, ज़्यादा हार्ड वर्क ना हो, ये अनुच्छेद 42 कहता है। कभी पूछ लिया जाए तो आप ये उत्तर दो, या तो आप एक वकील हो, आपको किसी व्यक्ति का मुकदमा लड़ना है और उस व्यक्ति का केस क्या है कि ये हमारे मालिक हैं, ये हमें बीमारी अवस्था में सर्दियों में काम पे लगा दिए हैं, अब हम बीमार हैं और हमें उचित व्यवस्था पे लगाया जाए, वो भी गवर्नमेंट के लिए, सरकारी जो होते हैं ना पर उन पे, तो सरकार ये व्यवस्था सारी करेगी, ड्यूटी में बीमारी के समय अच्छी जगह पोस्टिंग जहाँ पर आपको दिक्कत ना हो, मनोचित ना, जो मानसिक संतुलन खराब है आपका, तो आपको उसी आधार पे जॉब दी जाएगी और रेस्ट भी दिया जाएगा, बीमारी के समय भी ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि आप सरकार से छुट्टी ले लो जिसका पैसा ना कटे और अपना इलाज कराओ। अब महिला के लिए क्या है, महिला प्रसूति के समय, महिला प्रेगनेंसी मानो मतलब फीमेल प्रेगनेंसी के समय क्या करेंगे, महिला जब सरकारी ड्यूटी तैनात होती है तब उसकी प्रेगनेंसी होती है ना, तो उसको एक अधिकार मिलता है अनुच्छेद 42 के अंतर्गत, पेंटेनिटी लीव उसको मिलती है और छुट्टी भेजा जाता है, कोई पैसा नहीं कटता। तो सरकार यही व्यवस्था करती है, हर व्यक्ति को समान अधिकार, मनुष्य बीमारी ड्यूटी के सब अधिकार मिलने चाहिए, जितना जहाँ से हो सके उसको अधिकार मिलना।